हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर के पकोड़े। पनीर के पकोड़े तो आप बहुत बार बनाते होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से आप पनीर के पकोड़े बना के देखें, इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग, बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। अगर आप इनको इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और हर बार आप इन्हें ऐसे ही बनाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमें चाहिए एक कप बेसन। बेसन को आप छान कर ले, फिर इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स। इसी के साथ इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच नमक। नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और दो हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने एकदम बारीक काट कर लिया है। फिर इसमें डाल देंगे एक चम्मच कसूरी मेथी। सभी चीजों को मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ऐसा करने से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं। ये आपको इतने पसंद आएंगे कि आप हर बार पनीर के पकोड़े इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि एक साथ अगर हम ज्यादा पानी डालेंगे तो हो सकता है कि बैटर ज्यादा पतला हो जाए। और जब हम पनीर के पकोड़े बनाते हैं तो उसके लिए हमें बैटर ज्यादा पतला नहीं रखना होता, उसे हम हल्का सा गाढ़ा रखते हैं। जैसे जब हम नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं तो उसके लिए जो बैटर रखते हैं उससे हल्का सा थिक हमें रखना होता है। अब इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, ये देखिए फ्लो नहीं कर रहा है एकदम से। बहुत ज़्यादा फ्लोई भी हम इसको नहीं रखेंगे, लेकिन जब हम इसको गिराएं तो इसमें लेयर्स बननी चाहिए। तब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। ये इस तरीके से फ्लो करना चाहिए, ये बहुत पतला भी ना हो। ये देखिए जब हम इसको गिराएं तो इस तरीके से बैटर में लेयर्स बने। ये चम्मच के पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जब हम इसको पीछे के तरफ से देखते हैं तो ये एकदम से बहकर नहीं जा रहा है, जो चम्मच है उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ रही है। तो बस ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसको रेस्ट करने देंगे और बाकी की चीजें रेडी कर लेंगे। अब एक बाउल में डाल देंगे आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच गार्लिक पेस्ट। सभी चीजों को मिला लेंगे। तो ये हम पनीर पकोड़े के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें जरूरत अनुसार पानी डालेंगे। तो पहले इसमें एक चम्मच पानी ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने इसमें एक चम्मच पानी डाल दिया। अब इसे मिला लेंगे। अब ये मिक्सचर थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा है, अभी हमें इसमें एक चम्मच पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक चम्मच इसमें और पानी डाल देंगे। तो ये हमारी पनीर पकोड़े के लिए स्टफिंग तैयार है। अब हम बाकी की चीजें रेडी कर लेते हैं। अब मैंने लिया है ये 250 ग्राम के लगभग पनीर। तो पनीर को इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो जब आप पनीर के पकोड़े बनाएं तो उसके लिए आप पनीर को फ्रिज में ना रखें, पहले उसे आधे घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल लें और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है या बहुत छोटे इसके क्यूब्स नहीं बनाने हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से जो पनीर के पकोड़े आते हैं ना, जो स्क्वायर शेप होते हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, वैसा ही हम इसको रखेंगे। इसके लेयर्स को भी थोड़ा सा थिक रखेंगे ताकि हम इसके अंदर स्टफिंग कर पाए। तो इस सारे पनीर को हम काट कर तैयार कर लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें लगाएंगे। उसके लिए पहले एक पनीर का टुकड़ा ले लेंगे। देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब हम इसमें बीच से कट लगाएंगे, ये एक तरफ से जुड़ा होना चाहिए। इसको हमें बीच में से पूरा कट नहीं करना है, एक कॉर्नर से, एक जो किनारा है इसका, इस तरफ से इसको जुड़ा रहने देंगे और फिर इसके अंदर इस तरीके से स्टफिंग लगा देंगे। तो ये ऑप्शनल है। इससे जो पकौड़े बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम हलवाई वाला इनका टेस्ट आता है। अगर आप इस स्टफिंग को नहीं बनाना चाहते, इनको सिंपली बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें ये ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। तो ये धनिया पुदीना की मैंने ग्रीन चटनी बना के रखी है, वो इसमें लगा देंगे। या फिर अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। तो चुटकी भर हम इसके अंदर ये चाट मसाला लगा देंगे। तो आप चाहें तो सारी चीजों की स्टफिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप इसमें ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, चाट मसाला लगा सकते हैं, या फिर जो अपनी स्टफिंग बनाई है वो लगा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें सिंपली टमाटो केचप लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सारे जो ये पनीर के क्यूब्स हैं, पनीर के पीसेस हैं, इसके अंदर हम स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे।
तो मैंने ये खूब सारी स्टफिंग बना ली है, तो इसलिए मैं सारे पकौड़े इसी के साथ बना रही हूँ। बाकी आपको जो भी ऑप्शन पसंद आए, आप जो भी चीज़ लेना चाहते हो वो आप उसके साथ ही पकौड़े बना सकते हैं। अब जो स्टफिंग बच गई है इसको पनीर के पीसेस के ऊपर लगा देंगे। पनीर की स्टफिंग करने से पहले आप कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दें। तो ये मैंने ऑयल रख दिया था, गरम हो गया है। अब हम एक एक पनीर का टुकड़ा उठाते जाएंगे, उसको बेसन में कोट करेंगे और फिर इसको फ्राई होने देंगे। पनीर पकौड़ों को फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। ऑयल को हम बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखेंगे, इसे हम मीडियम हॉट रखेंगे। तो फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। एक एक करके इन पनीर के पीसेस को उठाते जाएंगे और उसको बैटर में कोट करके इस तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे। तो दो बैचेस में हम इनको फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में इनको पलटते जाएंगे ताकि दोनों तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से कोटिंग कम रह गई है, पनीर है जो बाहर आने लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको उठा के एक बार दोबारा से बैटर में डालें और फिर उसको फ्राई कर लें। तो जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो बस हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप इनको ज्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप एक बार इनको फ्लैश फ्राई कर सकते हैं। फ्लैश फ्राई करने के लिए आप ऑयल को एकदम से गर्म कर लें और आधे मिनट के लिए इनको तेल में डालकर वापस से निकाल लें। इससे ये बाहर से और भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और अगर आप इसको सिंपली एक बार ही फ्राई करके सर्व करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो कोटिंग है वो बाहर से बहुत ही परफेक्ट और एकदम क्रिस्पी आती है। अब हम दूसरे बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो बस हम इनको निकाल लेंगे। तो ये हमारे सारे पनीर के पकोड़े बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं बाहर से ये कितने टेस्टी दिख रहे हैं, कितने टेम्पटिंग हैं। ये देखने में जितने टेस्टी हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका पनीर के पकोड़े बनाने का मन हो तो आप एक बार इस रेसिपी को इसी तरीके से बना के देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे ग्रीन चटनी, केचप, जिसके साथ भी चाहें आप सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप भी एक बार पनीर पकोड़े को इस तरीके से ज़रूर से बना के ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।